बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली और पंजाब से आने वाले सिख समुदाय के कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सिख समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वैसे बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर सहित कई सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। करीबन 1000 सिख समुदाय के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद मेरे भाई हरजीत सिंह पप्पा जी, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो 1984 में श्री दरबार साहब के ऊपर कांग्रेस द्वारा हमला किया गया, श्री दरबार साहब के साथ अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला किया गया, अकाल तख्त साहब को टेम्पों और टोकों से गिरा दिया गया, उसके बाद दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हजारों बेकसूर सिखों को मारा गया। हम इससे बड़ा दुख है, जैसे कोई आतंकी सरगना उसकी जिम्मेवारी लेता है कतलेआम की, ऐसे ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिल्ली के बोट क्लब में खड़े होके इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं और कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमने ये बदला लिया, हमने ये लोगों को मारा। हमारे दर्द पीड़ा बहुत है, मोदी जी ने उस पीड़ा के अंदर मरम लगाने का काम किया जब उन कातिलों को जेल में भेजा। हमें एक बात की बड़ी तसल्ली हुई, शादी एचकेएल भगत हो, जगदीश टाइटलर हो, इन लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद इन लोगों को जेल में डाला गया, इन पे मुकदमे दर्ज किए गए और मोदी जी जाके श्री दरबार साहब के आगे सिर झुकाते हैं। जिस अकाल तख्त को कभी दिल्ली के गांधी परिवार